नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान अपने 40वें जन्मदिन के मौके पर भी चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त थे। इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी और भाजपा के अन्य नेताओं के साथ उन्होंने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। चिराग मोकामा और गोपालगंज के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने मोकामा में बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के पक्ष में रोड शो किया। हालांकि चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि अभी एनडीए में नहीं है। चिराग ने कहा, बिहार में दो विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बिना शर्त समर्थन है और इसका यह मतलब नहीं है कि एनडीए में शामिल होने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने के बाद ही एनडीए और सरकार में शामिल होने पर फैसला चिराग पासवान लेंगे। इससे पहले लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के अन्य नेताओं से मुलाकात भी की थी। शाह से मिलने के बाद उन्होंने मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का फैसला लिया। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे। उनके पिता रामविलास पासवान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थे। रामविलास के निधन के बाद उनकी विरासत को लेकर चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच जंग छिड़ गई। लोजपा टूटकर दो गुटों में बट गई। इसके बाद पशुपति पारस गुट के पास सांसदों का बहुमत होने की वजह से उसकी एनडीए में जगह बनी रही। पशुपति केंद्रीय मंत्री बन गए और चिराग ने एनडीए छोड़ दी।